मुल्क के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा में भी कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पूरा अमन वोटिंग का सिलसिला जारी है। उकाड़ा कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात की मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खोकर से। जी आसिफ, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में भी गहमा गहमी अरूज पर है और पुरमन वोटिंग का सिलसिला सुबह 8 बजे से ही जारी है और लोगों का इस हवाले से जहां पे जो गहमा गहमी देखने में आ रही है तो तमाम तर जो उम्मीदवार हैं उनके जो हामी हैं अपने अपने उम्मीदवार की जीत के लिए पुरजम दिखाई दे रहे हैं और ये पहला इलेक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा कैंटोनमेंट इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी देखी जा रही है। 21,017 टोटल वोट हैं जो उकाड़ा कैंटोनमेंट बोर्ड के हैं जिसके 5 वार्ड जो हैं बाकायदा तौर पर बनाए गए हैं जिनके लिए 57 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। अगर मैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से 307 पुलिस मुलाजमीन ड्यूटी पर मामूर किए गए हैं ताकि पुरमन वोटिंग का सिलसिला जारी रह सके। यहाँ हामी उम्मीदवार जो हैं उनके हामी मेरे साथ मौजूद हैं उम्मीदवार के, इनके साथ बात करेंगे किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या इनके अजायम है, क्या कहना चाहेंगे भाई आप? अस्सलाम वालेकुम जी, हम मेजर साहब का वोट देने के लिए आए हैं इधर और सपोर्ट करने के लिए आए हैं और इंशाल्लाह जीत जाएंगे और बहुत अच्छे आदमी हैं। अच्छा मेजर साहब, कौन से मेजर साहब की आप बात कर रहे हैं, वो किस सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं आप बताएं भाई जी? आए सर मेजर अहमद कैंट से ये बिलोंग करते हैं, उनके इलेक्शन में हम उनके फुल सपोर्टेबल हैं तो इंशाल्लाह ये जो इलेक्शन मेजर साहब का है, मेजर अहमद साहब का, इंशाल्लाह विनिंग पे जा रहा है। बहुत अच्छी यानी कि इसकी जा रही है सिचुएशन भी ठीक जा रही है, ये पीटीआई से इन्हें टिकट लिया है तो इंशाल्लाह मेजर अहमद साहब विन करेंगे। बिल्कुल, जैसे आपने हामी उम्मीदवार जो है उनके बात सुनी तो उनका यही कहना है जिस तरह से ये अपने उम्मीदवार की जीत के लिए जो है वोटर पुरजम है, इसी तरह से तमाम वार्ड्स में यही सूरत हाल देखने में आ रही है कि अपने अपने हामी उम्मीदवार की जीत के लिए जो है वोटर हैं जो पुरजम है और उनकी यही कोशिश और ख्वाहिश है कि उनका उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन जीतें। आप क्या कहना चाहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले मैं तरीके इंसाफ को सलाम पेश करता हूँ, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी सलाम पेश करता हूँ ताकि इसने हमारे अदल व इंसाफ में इंसाफ पैदा किया। हम इसके मशकूर हैं, ये हमारे मेजर रिटायर्ड अहमद साहब पाकिस्तान आर्मी के अफीसर हैं, हमने इंशाल्लाह ताला इनको वोट डालना है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जितलाना है। अस्सलाम वालेकुम। जैसे भाई ये हुकूमत विज़न की जो है तारीफ़ कर रहे थे और ख़ासे मुतमईन नज़र दिखाई दे रहे हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत मौजूदा हुकूमत है उसके विज़न को लेके, तो इसी तरह से तमाम उम्मीदवार जो हैं वो वोट भी डाल रहे हैं और साथ साथ वोट के तोड़ जोड़ का सिलसिला भी जारी है और इसी तरह से अपने अपने हामी उम्मीदवार की जीत के लिए पुरजम है। यहाँ एक अहम चीज़ जो देखने में ये बीमार लोग माजूर लोग जो हैं वो भी अपना वोट कास्ट करने में दिलचस्पी ले रहे हैं लेकिन पोलिंग बूथ इंतजामिया की जानिब से लोकल जो इंतजामिया कंटोनमेंट बोर्ड उसकी जानिब से माजूर और बीमार अफराद के लिए कोई भी खातिर खा इंतजाम नहीं।